चलिए हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी चंद्रशेखर, क्या स्थिति है इस वक्त मतगणना की? कहां तक पहुंची, कितने राउंड हुए और क्या बालकनाथ कितने वोट से आगे हैं? जी बताना चाहूंगा कि दो राउंड की काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ 48,858 वोटों से आगे चल रहे हैं। यह कुल बढ़त उन्होंने 8 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक बनाई हुई है। जी जी राजगढ़ में भी क्या बालकनाथ को बढ़त मिल रही है, जहां से हमेशा भंवर जीतन सिंह को बढ़त मिलती रही है? जी पहली बार ऐसा हुआ है कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जहां कांग्रेस प्रत्याशियों को हमेशा बढ़त मिलती रही है, वहां केवल 3,000 की बढ़त इस बार कांग्रेस को मिल पाई है। और बाबा बालकनाथ जो अलवर ग्रामीण से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां से केवल 1400 वोटों की बढ़त ही कांग्रेस ले पाई है। और भैरोड से सर्वाधिक 14,000 वोटों से बाबा बालकनाथ सबसे ज्यादा बढ़त लेके बनाए हुए हैं। दो राउंड आप पहले कह रहे थे 8 सीट पर बढ़त है बालकनाथ की, फिर अभी कहा राजगढ़ और ग्रामीण में कांग्रेस की बढ़त बताई आपने। जो सेकंड राउंड है सर, उनमें जो है बाबा बालकनाथ ने बनाई है दोनों सीटों पर। पहले राउंड में की है रिपोर्ट जिसमें राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ और अलवर ग्रामीण में जितेंद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त पहले राउंड में ली, पर दूसरे राउंड के बाद में बालकनाथ आगे हो गए या खाली दूसरे राउंड में आगे हुए? दूसरे राउंड में बाबा बालकनाथ ने बढ़त बनाई है इन विधानसभा क्षेत्रों में भी। जी जी, तो ये बड़ी खबर है। टीकाराम जूली जो मंत्री है राजस्थान सरकार में, जयपुर अलवर ग्रामीण के विधायक हैं, अलवर ग्रामीण से भी अगर कांग्रेस पिछड़ती है, राजगढ़ जहां से हमेशा अलवर राजघराने को भंवर जीतन सिंह को बढ़त मिलती रही है, जहां से ज्योतिलाल मीणा MLA हैं कांग्रेस के, वहां भी अगर कांग्रेस पिछड़ती है तो ये बड़ी रिमार्केबल बात है। भंवर जीतन सिंह से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हमसे एक बार कि राजगढ़ तो हमेशा मुझे जिताता आया है, तो अगर राजगढ़ भी उनको अगर नहीं जिता रहा है ये वास्तव में आत्मनिरीक्षण वाली बात होगी, क्योंकि राजगढ़ में बन्नाराम मीणा ने भी बहुत मेहनत की और ज्योतिलाल मीणा कांग्रेस के जी इस वक्त MLA हैं वहां से जी। तो क्या हुआ है अगर अगर इस तरह, अभी तो खैर दो राउंड ही हुए जी, अभी टोटल वोट बता सकते हैं कि भंवर जीतन सिंह को कितने वोट मिले और बालकनाथ को कितने वोट मिले? अभी सर जो निर्वाचन विभाग की जो आंकड़े हैं वो आना बाकी है, केवल उन्होंने बढ़त का भी बताया है कि 48,858 जो उन्होंने आंकड़े दिए वो दो राउंड की बढ़त के बताए हैं। क्या लगता है कि इसमें उलटफेर भी हो सकता है आगे चल के? बिल्कुल, जिस तरह दोनों प्रत्याशियों से हमारी बात हुई है, बाबा बालकनाथ चूंकि काउंटिंग स्थल पर मौजूद है, उनका यह दावा है कि वो सभी राउंडों में बढ़त बनाएंगे और जो मोदी लहर और मोदी के प्रयास है उनका यह असर दिखा रहा है, जबकि कांग्रेस का यह दावा है कि अभी कुछ बीजेपी बाहुल्य और सिटी की जो काउंटिंग हुई है जो एरियो की, उसके बाद जो ग्रामीण एरिया आएगा वहां से ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस बढ़त बनाएगी। चलिए हम आपसे फिर बात करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका और आप बने रहिए वहाँ पर मतगणना स्थल पर, और कोई नया अपडेट आए तो हमें जरूर से बताइएगा, कोई उलटफेर हो तो जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।